रास्ते में कील काटी खाए, ड्रोन द्वारा आपके घर छोड़े गए। मंच पर खड़े होकर जोरदार भाषण दे रहे ये हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। वर्तमान में ये राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के ही कार्यक्रम के लिए नेताजी आगरा के पिनाहट पहुंचे थे। नेताजी अपने भाषण में किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर बरस रहे थे। इसी बीच भीड़ से एक शख्स खड़ा होता है और स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर जूता फेंकते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाने लगता है। हालांकि जूता मंच पर बने डायस पर जाकर जरूर टकरा जाता है और स्वामी प्रसाद मौर्य बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन वो शख्स इतने में ही नहीं रुका। उसने दूसरा जूता भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन भला हो पुलिस का जिसने उसे ये करने से पहले इधर दबोचा। इसके बाद पुलिस उसको मंच से दूर ले जाने लगी, तभी वो स्वामी प्रसाद मुर्दाबाद और योगी सरकार जिंदाबाद के नारे लगाने लगता है। बता दें कि थाना डॉकी क्षेत्र के माता सती मंदिर पर पार्टी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भाषण दे रहे थे, तभी एक शख्स भीड़ के बीच से उठता है। वो तपाक से अपना एक जूता निकालता है और उनकी ओर फेंकता है। हालांकि वो जूता डायस से जाकर टकरा जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ पता लग पाता। इस बीच वो शख्स दूसरा जूता निकालकर फेंकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नाकाम रहता है। हमले के बीच उसे पुलिस और कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक जूता फेंकने वाले शख्स का नाम ब्रजेश भदौरिया है, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पदाधिकारी है। वहीं इसके पहले फतेहाबाद में भी हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले को रोका था, काले झंडे दिखाकर उनकी गाड़ी पर स्याही भी फेंकी थी। ये कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले भी कई मौकों पर स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीते महीनों से लगातार मुश्किलों में ही हैं। बीते दिनों उन्हें कोर्ट से झटका मिला है। बीते 22 अप्रैल को कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने की मांग को खारिज कर दिया। उनके खिलाफ बेटी संगमित्रा के बिना तलाक दूसरी शादी कराने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।